हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही खास, जो है एक मरवे की चटनी। ये देखिए, ये मरवा जो इस तरह से दिखाई देता है, जैसे इसके ऊपर बीज आया हुआ है और इसकी पत्तियाँ ऐसे लंबे आकार की होती हैं, और ये बहुत ही खास एक औषधि के रूप में काम आता है। और इसकी आज हम चटनी बनाते हैं जो शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छी साबित होती है, और ये एलर्जी में भी काम आता है। इसको आप चटनी बनाइए या फिर कूट करके इसका नमक और ये दोनों चीज़ नमक मिलाकर तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी इस्तेमाल कीजिए मरवे का, तो ये अच्छा रिजल्ट करता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी वीडियो देखना और आगे से आगे शेयर करना। और जब भी हम अपने चैनल पर आएंगे, नई नई जानकारी लेकर आएंगे, आप देखते रहिए। अब हम चटनी के लिए सामग्री जान लेते हैं। ये देखिए मरवा, और ये जीरा, ये धनिया पिसा हुआ, मोटा धनिया भी ले सकते हैं क्योंकि पीसना यही हमने पीस करके रखा हुआ, और ये नमक, और ये दही, और ये लहसुन छिला हुआ, दो तीन पोथियाँ डालनी है, ये जो हमने लहसुन छील करके रखा हुआ, और ये चार पाँच लाल मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं। ये देखिए, ये कुंडी और सोटा, इसके साथ हम चटनी तैयार करते हैं। अगर हम चाहे तो इसको मिक्सी में कूट सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट ये कुंडी वाली चटनी लाती है वो मिक्सी में बात नहीं है, क्योंकि मिक्सी में एकदम बारीक हो जाती है और जो इसकी ताकत, जो इसकी मतलब दरदरापन होता है, वो सब खत्म हो जाता है और चटनी अपना काम नहीं करेगी और ना ही वो टेस्ट होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंडी में जीरा डालते हैं, एक चम्मच, छोटा चम्मच। अब चार मिर्च डालते हैं, कम खानी हो तो दो डाल लीजिए। अब इनको हम थोड़ा बारीक करते हैं, ऐसे बिल्कुल बारीक कर देते हैं सबके साथ। अब हम इसमें लहसुन डालते हैं, अब इसको भी बारीक करते हैं, अच्छे से कूट लेते हैं। आप चाहे तो लहसुन कम डाल सकते हैं। और गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडी रहती है। मरवा एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही बीमारियों में काम आने वाली चीज़ है। आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अब इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालते हैं, आधा चम्मच। और अब इसके बाद हम इसमें मरवा डालते हैं। ये देखिए, ये हमने धो करके रखा है, ऐसे इसके पत्ते पत्ते डालने। अब मरवे के पत्ते कूटते हैं। इसको आप घर में भी लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे तो इसको 100 पीस के लिए भी लगाते हैं लोग घर के बाहर। और आप हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, इसको कूटते हैं। अपने घर में भी लगाते हैं और घर के बाहर लगाते हैं, इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं, वैसे भी पौधा अच्छा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी औषधि है कि हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए आज हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। और हम वही वीडियो डालते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वही औषधि पहले उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे बताते हैं, ताकि इसका सब भाई बहन लाभ उठा सके। और अब इसमें हम एक चम्मच दही डालते हैं, बिल्कुल एक चम्मच। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ऐसे। और ये इतनी टेस्टी है, आप चाहे तो इसको दिन में दो बार खाइए, तीन बार खाइए। आप एक कटोरी भर करके बना करके रख लीजिए, दो तीन समय तक आराम से खा सकते हैं। आप चाहे तो दो दिन भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिए, ये खराब नहीं होगी।
ऊपर ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए कटोरी में निकाल लेते हैं इसको। और देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है और कितनी स्वादिष्ट कितनी टेस्टी। आप गर्मियों गर्मियों इसको खाइए और इसका लाभ उठाइए। ये जीभ के स्वाद में तो काम आती है लेकिन ये बीमारी में भी काम आती है, इसलिए मरवे की चटनी बनाइए और खाइए और आगे से आगे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी दोस्तों। और मरवे की चटनी बनाते रहिए और खाते रहिए हर रोज़।